हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिड्यूसर क्या होते हैं और उसका हमारे रिडक्स में क्या रोल होता है और कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। यहाँ पे रिड्यूसर है, तो रिड्यूसर क्या होते हैं? आर द फंक्शन दैट टेक द करंट स्टेट एंड एक्शंस एज ए आर्गुमेंट एंड रिटर्न द न्यू स्टेट एज रिजल्ट। मतलब क्या होता है कि रिड्यूसर एक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमने एरो फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे चेंज काउंट। ठीक है, और इसमें दो पैरामीटर होते हैं, एक तो स्टेट होता है पहला पैरामीटर, दूसरा एक्शन। एक्शन के बेस पे क्या करते हैं, ये एक्शन है, जैसे स्विच केस में गया एक्शन इंक्रीमेंट, तो हमारी उसमें जो स्टेट होती है स्टेट को चेंज करते हैं और रिटर्न करते हैं। मतलब ये रिड्यूसर जो होता है एक्शन के बेस पे हमारी जो स्टेट होती है उसको मॉडिफाई करता है और एज ए रिजल्ट उसको रिटर्न करता है। ठीक है, ये रोल होता है रिड्यूसर का। ठीक है, तो हम क्रिएट करते हैं अपनी एप्लीकेशन में, और देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट को हमने इम्पोर्ट किया हुआ है और यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो हमारा ये एक्शन में भी यूज हो रहा था कॉन्स्टेंट, और हमारा यहाँ पे रिड्यूसर में भी यूज हो रहा है। तो हम अपनी एप्लीकेशन में जाते हैं, मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मुझे रिड्यूसर भी, मल्टीपल रिड्यूसर हो सकते हैं, तो एक रिड्यूसर फोल्डर मैं SRC में बना लेता हूँ। यहाँ पे जाके रिड्यूसर मैंने बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक प्रोड्यूसर बना लेता हूँ, जैसे अप डाउन डॉट जेएस। अप डाउन रिड्यूसर मैंने बना लिया, और यहाँ पे मैं कॉन्स्ट चेंज काउंट, हम अपना काउंट चेंज करेंगे, और यहाँ पे एक रखेंगे स्टेट। रिड्यूसर में एक पैरामीटर होता है स्टेट, दूसरा पैरामीटर होता है एक्शन। ठीक है, अब जो ये हमारा चेंज काउंट है, ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमें कहीं पे करना पड़ेगा, तो हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, और जो स्टेट है इसमें कोई इनिशियल वैल्यू हमें देनी है, इनिशियल वैल्यू रखनी है, तो हम इनिशियल स्टेट यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, इसमें 0 वैल्यू, और यहाँ पे इसका टाइप भी देते हैं कॉन्स्टेंट टाइप, और हम यहाँ पे इसको असाइन कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हमने असाइन कर दिया है। अब हम यहाँ पे स्विच केस लेते हैं। स्विच केस किस लिए कि हम एक्शन में बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, उसके बेस पे ही हम अपनी स्टेट को चेंज करेंगे। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे टाइप लिया मैंने, और यहाँ पे मैं केस लेता हूँ। ठीक है, केस एक्शन टाइप। अब ये जो एक्शन टाइप है वो कौन से केस से मैच होगा, तो यहाँ पे मैंने एक फाइल ली थी, बनाई थी कॉन्स्टेंट की, तो मैं यहाँ पे उन्हें इम्पोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट है, ओके, और यहाँ पे डिक्रीमेंट, इस तरह से इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अब यहाँ पे केस में मैंने इंक्रीमेंट ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरी स्टेट है, इनिशियल वैल्यू इसमें क्या है असाइन, 0, तो इंक्रीमेंट के केस में मैं क्या रिटर्न करूंगा, मैं रिटर्न करूंगा स्टेट +1, कि मेरा इंक्रीमेंट +1 हो जाए। और जब मेरा केस कौन सा है, डिक्रीमेंट है, तो इसमें स्टेट में क्या चेंज करूंगा, मैं क्या मॉडिफाई करूंगा कि इसमें -1 हो जाए, तो इसे रिटर्न करूंगा स्टेट -1। ठीक है, और फिर इसको मैं, डिफॉल्ट केस भी होता है, अगर डिफॉल्ट मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो उस केस में क्या रिटर्न करेगा मुझे, एज इट इज जो मेरा स्टेट है इनिशियल वैल्यू 0 के साथ वो हमारा रिटर्न कर दे। तो ये हो गया है मेरा रिड्यूसर। अब इस रिड्यूसर को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम देखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पे उससे पहले देखिए, यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एरो फंक्शन बना रहा था, ये मैंने यूज नहीं किया है। ठीक है, इस तरह से यूज करना है। तो ये हमारा रिड्यूसर बन गया है, और इसको अब हम रूट रिड्यूसर में कैसे यूज कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। आने वाली सारी वीडियोज बहुत अच्छी होने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।